आपका ताल्लुक उस बाजार से था जहां रातें जागा करती हैं और दिन सोते हैं। हमारे जराए के मुताबिक नूरजहां के कई नामवर और बाअसर अफराद के साथ जिनसी ताल्लुकात भी रहे थे। बताया जाता है कि ये तीन खबरें हैं, तीनों सच। यहाँ पर कई अहबाब हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये एक मुदीर पर मुनहसर है कि वो किस तरह इस खबर की बुनत करता है। बुनत फिर अखबार, साइट या टीवी की पॉलिसी को देखकर की जाती है और फिर इस खबर की एंगलिंग यानी इसके जाविये को देखकर किसी एक एंगल को उठा लिया जाता है। उसके बाद फिर आता है अल्फाज का चुनाव। अल्फाज का चुनाव आपकी खबर या तहरीर में शिद्दत या एतदाल को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर, दोशीजा की आबरू तार तार, खातून के साथ जिंसी ज्यादती का वाकया, वहशी दरिंदे ने नाजुक और खूबसूरत लड़की की इज्जत लूटी। ये चंद चंद मिसाल है। खबर एक ही है मगर अल्फाज का चुनाव पढ़ने वाले के दिल में अल्फाज के हिसाब से गम गुस्से को बढ़ाएगा। आप बात को समझिएगा, जब मैं बात लिखूंगा कि एक लड़की के साथ जिंसी ज्यादती हुई तो आपके दिल में शायद उस हिसाब से गुस्सा ना आए, लेकिन जब इसी खबर में मैं कुछ अल्फाज का तड़का लगाऊंगा, उस लड़की की कमसनी जाहिर करूंगा, वहशत और बर्बरियत इसके अंदर डालूंगा, तो आपके दिल में गुस्सा उसी तरीके से बढ़ेगा। अच्छा, एक अंग्रेज़ ने, मैंने कुछ अबू धाबी में न्यूज़ माइनिंग के कोर्स वगैरह किए थे, तो एक अंग्रेज़ ने जो हमें न्यूज़ माइनिंग पढ़ा रहा था, उसने सहाफ़त की मशहूर ज़माना बात कही जो हम अक्सर पढ़ते नहीं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। उसने कहा था कि खबर बनाते वक्त अपना दिल और जज्बात एक तरफ रखो, खबर सिर्फ खबर हो।